मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भक्तों से पूछा कि भगवान का भक्त होने में क्या आनंद मिलता है, तो मुझे कहीं कोई जवाब नहीं मिला। तब मैंने अपने स्वयं के अध्ययन से, अपने विचारों से एक जवाब तैयार किया है, जो आप सुनेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह से एक पिता होने पर घर में बच्चों के होने से क्या सुख मिलता है, कभी पिता बता नहीं सकता है कि पिता होने का आनंद क्या है। उस तरह से एक भक्त होने पर भक्त कभी बता नहीं पाता है कि क्या आनंद मिलता है, लेकिन जिस तरह से घर में बच्चे होने पर जो सुख प्राप्त होता है ना, वो एक भक्त होने पर जो सुख प्राप्त होता है भक्त कभी बता नहीं सकता। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह इंसान के घर पर बच्चे ना होने से इंसान बांझ रह जाता है, उसी तरह भगवान का भक्त ना होने से भी इंसान बांझ रह जाता है। और जो सुखों की प्राप्ति घर पे संतान होने के से होती है, वो सुखों की प्राप्ति भगवान का भक्त होने से होती है। और भक्त किसका होना चाहिए? भक्त भगवान का होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल लोगों के भी भक्त हैं। तो लोगों के भक्त ना बने, भक्त बनना है तो उस ईश्वर और परमात्मा के भक्त बने। बस यही फर्क है भक्ति में, कि भक्त अपने जीवन का आनंद किसी और को बता ही नहीं पाता है कि क्या आनंद मिलता है। पर सिर्फ आनंद इतना ही मिलता है कि जिस तरह से एक पिता बनने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही भक्त बनने पर आनंद की प्राप्ति होती है।